Yes, lesson number 5 traditional games and हमने ये लेसन हमारा ओवर ही हो गया था ट्रेडिशनल गेम एंड मार्शल आर्ट्स। ये लेसन की हमने सारी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। अभी एक ये बड़ा असर बाकी का जो मैंने अभी लिख दिया है मैं समझा देती हूँ, उसके बाद हम लेसन 6 आज स्टार्ट कर देंगे। तो लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर जो भी नंबर कंटिन्यू आता है आप डाल देना। In what three ways is thang ta practiced? Thang ta martial art कौन से तीन तरह से खेला जाता है? Answer: Thang ta is practiced in three different ways. Thang ta तीन अलग अलग तरह से प्रैक्टिस की जाती है ना। First way is ritual in nature and is performed only on special occasions, जैसे कोई भी त्यौहार है, फेस्टिवल्स है या रिचुअल्स है, घर पे कोई अच्छा हमारा प्रसंग है, शादी है, पूजा है, उस टाइम पर भी थांग ता परफॉर्म किया जाता है। द सेकंड वे कंसिस्ट ऑफ अ डांस परफॉर्मेंस इन्वॉल्विंग स्वॉर्ड एंड स्पीयर। दूसरे डांस फॉर्म में स्वॉर्ड और स्पीयर को कंसिस्ट किया जाता है कि जैसे शादी में कुछ लोग तलवारबाजी करते हैं ना, हवा में तलवार को घुमाते हैं, उस तरह से दूसरा परफॉर्मेंस किया जाता है। एंड द थर्ड वे इज द एक्चुअल फाइटिंग टेक्निक, और तीसरा वो हकीकत में रियलिटी में जो दो राजा लड़ाई करते हैं तो स्वॉर्ड यूज करते हैं, इस तरह से ये थांग ता डांस थ्री वे से परफॉर्म किया जाता है। फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन और पूरा आंसर मैं पढ़ लेती हूँ, नोटबुक में लिखते हैं। इन फॉर थ्री वेज इज थांग ता प्रैक्टिस्ड, थांग ता इज प्रैक्टिस्ड इन थ्री डिफरेंट वेज। फर्स्ट वे इज रिचुअल इन नेचर एंड इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन स्पेशल ओकेशंस। द सेकंड वे कंसिस्ट ऑफ अ डांस performance involving sword and spear. The third way is the actual fighting technique. तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ओवर हो गया। अभी हम लेसन 6 रिस्पेक्ट ऑल वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, ये अच्छे से सबने लिख दिया होगा। ये लेसन में दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मैं आपको सुनाऊंगी, एक है गांधी जी और यंग मैन की और दूसरी है नेपोलियन एंड लेबरर की। तो रिस्पेक्ट ऑल वर्क, हमें लेसन के नाम से ही पता चल जाए कि लेसन में हमें क्या कहा गया है कि कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए, पर सब में हमें उतने ही इंटरेस्ट से काम करना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब काम समान होते हैं। तो ये दो इसमें हमें एग्जांपल दिए हैं ये बात समझाने के लिए कि रिस्पेक्ट ऑल वर्क, जैसे हम कोई बड़े डायरेक्टर को, बड़े मैनेजर को जितना रिस्पेक्ट देते हैं उतना ही रिस्पेक्ट हमें स्लीपर को भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना काम करता है, उसका काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक मैनेजर का काम इम्पोर्टेंट है। तो हमारी पहली स्टोरी है
स्टोरी मतलब जिसको हम एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं, गांधी जी एंड द यंग मैन। अब गांधी जी के बारे में तो हमें बहुत पता है कि गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता है हमारे, और वो सत्य और अहिंसा की राह पर चलते थे, दूसरों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। तो एक दिन गांधी जी के पास उनका एक दोस्त आया जो बहुत ही रिच था, तो वो अपने बेटे के साथ आया और उसने गांधी जी से कहा कि ये मेरा बेटा है, इसने फॉरेन में स्टडी किया है, बड़ी बड़ी डिग्रीज इसको मिली हुई है, आप थोड़े टाइम इसको अपने पास रखो और अपनी तरह से इसको हैंडल करो। गांधी जी ने कहा ठीक है। गांधी जी ने उस अपने दोस्त के बेटे को अपने पास रखा, फिर उसको कहा कि देखो तुम्हें रोज लेटरिन वॉश करने की ड्यूटी दी जाती है। तो पहले के ज़माने में, अभी जो हमारे घर पे टॉयलेट होते हैं फ्लश वाले, वैसे टॉयलेट नहीं होते थे। पहले क्या होते थे, जो पॉट होते थे वो पूरे भर जाए तो उनको खाली कर देना पड़ता था, फिर उनको रीयूज करते थे। इस तरह के टॉयलेट्स पहले यूज होते थे। तो गांधी जी ने उसको टॉयलेट वॉश करने का काम दिया। तो वो लड़के ने कुछ बोला नहीं पहले तो, और वो काम वो करने लगा। काम करते करते एक वीक हो गया। एक वीक के बाद उसने गांधी जी से कहा कि देखो मैंने अब्रॉड पे पढ़ाई की है, मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, मैं दूसरे काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, आप मुझे ऐसा काम क्यों दे रहे हो, कोई अच्छा काम दो जो मेरी स्टडी से रिलेटेड हो। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, अभी तुझे यही काम कंटिन्यू करना है। तो वो लड़के ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि गांधी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बिना वजह किसी को ऐसा काम नहीं देंगे। वो लड़का फिर से वही काम करने लगा। एक मंथ हो गया, फिर भी लड़के ने कहा कि अभी आपको लगे ऐसा तो मुझे और कुछ काम करने को दो। तो गांधी जी ने कहा अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है, अभी थोड़े टाइम मुझे यही काम कंटिन्यू करना है। तो लड़के ने कहा ठीक है। फिर थोड़े दिन लड़के ने वही काम कंटिन्यू किया। अब वो गांधी जी को बोलने नहीं आता था कि मुझे कोई अच्छा काम दो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तो इतनी बड़ी डिग्री है। वो यूज्ड टू हो गया था, मतलब वो काम करने का हैबिट्यूअल हो गया था, हैबिट्यूअल उसको वो काम करने की प्रैक्टिस हो गई थी। अब उसको वो काम करने का गंदा भी नहीं लगता था और उसको ऐसी फीलिंग भी नहीं आती थी कि ये काम मैं डिजर्व नहीं करता, मैं इससे बेटर काम डिजर्व करता हूँ। तो जब वो लड़का गांधी जी को कुछ बताने नहीं आया और कंटिन्यू वही काम करने लगा, तो गांधी जी ने उसे बुलाया और कहा कि देखो अब तुम ये काम से यूज टू हो गए हो, मतलब अब तुम्हारे मन में काम के प्रति कोई भेदभाव नहीं है कि ये लेटरिन साफ करने का काम छोटा है, ऑफिस संभालने का काम बड़ा है, इसलिए अब मैं तुम्हें ये काम करने से फ्री करता हूँ और मैं तुम्हें दूसरा काम देता हूँ, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या उसको पनिशमेंट दी थी लेटरिन साफ करने की? नहीं, गांधी जी उसको रियलाइज करवाना चाहते थे कि वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल वर्क, कोई भी काम हमें कहे, हमें कोई भी काम करने में छोटा बड़ा ऐसा फील नहीं होना चाहिए। वर्क इज गॉड बोलते ना, काम ही पूजा है, काम ही भगवान है, एंड वर्क इज वर्शिप, काम ही भगवान है और काम ही पूजा है, ठीक है। अब ये दूसरा है नेपोलियन एंड द लेबर। अब नेपोलियन बोनापार्ट था ग्रेट एम्परर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का एक बहुत बड़ा राजा था। तो नेपोलियन एक दिन जा रहा था अपने सिपाहियों के साथ, अपने कमांडरों के साथ, तो एक नैरो ब्रिज आया। तो वो ब्रिज इतना नैरो था कि वहाँ पर सामने सामने से दो लोग ऐसे क्रॉस नहीं हो सकते थे, एक ही इंसान निकल पाए, इतना नैरो था। तो नेपोलियन ने देखा कि सामने से एक लेबर अपने सर के ऊपर हैवी वेट लेकर आ रहा है। तो
वो अपनी धुन में आ रहा था लेकर, तो नेपोलियन के कमांडो ने जोर से ऑर्डर दिया, ए लेबर तू थोड़ी देर खड़ा रह जा, तुझे दिख नहीं रहा कि अभी नेपोलियन बोनापार्ट इधर से पास होंगे? तो नेपोलियन ने कहा नहीं, उसको रोको मत, उसको पहले निकल जाने दो, क्योंकि उसके सर पर वेट है, वो काम कर रहा है और हम भी काम ही कर रहे, पर अभी उसके पास वजन है, वो वजन लेकर चल रहा है, तो उसका काम हमारे यूं ही चलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम 2 मिनट रुक जाएंगे, उसको निकल जाने दो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये नेपोलियन बोनापार्ट है, वो भी सभी वर्कर्स को, लेबर्स को कितना रिस्पेक्ट देते थे। तो हमारी नज़र में भी कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 एग्जाम्पल से हमने ये लेसन में सीखा, द अबाउट 2 स्टोरीज शो दैट ग्रेट एम्परर हैव ऑलवेज अंडरस्टूड द डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब मजदूर का जो काम है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो नेपोलियन अच्छे से समझता था। उसने अपने कमांडर को भी समझाया कि ये वजन लेकर खड़ा रहेगा क्या, मैं दिख लूँगा और अगर आपने उसको रोक दिया तो वो बेचारा वजन लेकर खड़ा रहेगा, उसको परेशानी होगी और हम तो यूं ही बिना वेट के खड़े हैं, हमें उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दे हैव अंडरस्टूड दैट एवरी टास्क इज इम्पॉर्टेंट एंड स्केल्ड, हर एक काम इम्पॉर्टेंट और पवित्र होता है, ठीक है, ईमानदारी से किया हुआ कोई भी काम एक पूजा एक पवित्र काम से बिल्कुल कम नहीं होता। तो ये जो स्टोरी है ना गांधी जी और यंग में थी, वो ले गई है गांधी लेसन्स फ्रॉम बापू, लेसन्स फ्रॉम बापू नाम की बुक में से ये एक टॉपिक एक स्टोरी ले ली गई है। और ये लेसन में हमें बताया है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल वर्क, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये लेसन में हम अभी लिखेंगे गुड राइट और रॉन्ग। ये मेरे साथ लिखना शुरू करोगे, इन गांधी जी आश्रम द फर्स्ट टास्क गिवन टू पीपल who were new to clean the latrines, in Gandhiji's ashram the first task given to people who were new, जो लोग नए आते थे उनका सबसे पहला काम क्या दिया जाता था, टू क्लीन द लैट्रिन्स राइट, ठीक है, ये काम दिया जाता था टू क्लीन द लैट्रिन्स। नंबर 2, इन गांधीजी's टाइम्स देयर वेर फ्लश latrines क्या गांधी जी के टाइम पर फ्लश वाले latrines थे? नहीं, कोर्ट वाले थे और कोर्ट भर जाए तो खाली करना पड़ता था, बहुत ही गंदा लगे वैसा काम करना हमें। अभी तो बहुत ही फैसिलिटीज आ गई कि फ्लश चालू करें और latrine क्लीन हो जाते थे। तो इन गांधी जिस टाइम देयर वेर फ्लश लैट्रिन्स, नो रॉन्ग, ओके, इन गांधी जिस आश्रम द फर्स्ट टास्क गिवन टू पीपल हु वेर न्यू टू क्लीन लैट्रिन्स
Right. In Gandhiji's times, there were flush latrines. Wrong. Now number 3. Gandhiji believed that well qualified people should not be given manual task to perform. Gandhiji believed that well qualified people should not be given manual task to perform. मैनुअल मतलब ऐसे छोटे काम कि जो जो अच्छे वेल क्वालिफाइड लोगों को हमने कभी देखा नहीं है करते हुए, ठीक है। तो गांधी जी ऐसा सोचते थे कि बहुत पढ़े लिखे लोगों को ऐसा काम नहीं देना चाहिए। रॉन्ग, क्योंकि हमने गांधी जी की स्टोरी में देखा कि वेल क्वालिफाइड था जो गांधी जी के फ्रेंड का सन अब्रॉड से बड़ी डिग्री लेकर आया था, गांधी जी ने उसको भी लेटरिन पोस्ट करने का काम दे दिया था। गांधी जी की नज़र में सब सेम थे, ऐसा नहीं कि ये बहुत पढ़ा लिखा है तो उसको ऐसे काम हमें नहीं देने हैं। सबको सब काम करने की आदत होनी चाहिए। नेपोलियन बिलीव्ड दैट labor's work was as important and बड़ा
नहीं होता और काम से कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि हमें किसी के बिना नहीं चलेगा। ठीक है, अगर हम कोई बड़ी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम कितनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा गुरूर आ जाएगा, ऐसा प्राउड फील करेंगे कि मेरे हाथ के नीचे 1000 लोग काम कर रहे हैं, इतनी करोड़ों का कंपनी टर्नओवर कर रही है। पर हम अपने पर ऐसे प्राउड करेंगे, पर हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उसमें हम प्योर मजदूर को भी इंक्लूड कर ले, तो क्या वो लोग ठीक से काम नहीं करेंगे? तो क्या मैनेजर डायरेक्टर का काम अच्छा दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। छोटे से छोटे आदमी का काम बड़े आदमी तक पहुंचता है और उसी तरह सबका मिलजुल कर एक ग्रुप की तरह ये काम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जन काम करता है पूरी कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होता है, सबके काम पर डिपेंड है। तो गांधी जी ने हमें क्या कहा है ये लेसन में कि वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल टाइप ऑफ वर्क। और गांधी जी और यंग मैन की जो स्टोरी थी, ओके, तो गांधी जी के आश्रम में फर्स्ट टास्क कोई भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा बड़ा, सबको क्या देता था? क्लीन द लैट्रिन्स। वो हमने जो फर्स्ट में लिखा ना कि कोई भी फर्स्ट टाइम जिसकी एंट्री होती थी, टास्क पता है ना, आप अभी टीवी में भी गेम को देखते हो, कुछ प्रोग्राम में टास्क दिए जाते हैं, सम टाइप्स ऑफ गेम्स, कि ये टास्क कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरा टास्क में आप एंटर होंगे, दूसरा एंटर, दूसरा कंप्लीट करो तो थर्ड में जाओगे, वैसे सारे टास्क कंप्लीट करके आप विनर हो सकते हो, बराबर। तो गांधी जी के टाइम में उनके आश्रम में जो लोग आते थे उनको फर्स्ट टास्क टू क्लीन द लैट्रिन्स दिया जाता था, और देयर वर नो फ्लशिंग टॉयलेट्स। अभी हमारे घर में जो फ्लश वाले टॉयलेट्स हैं उनके टाइम में वैसे टॉयलेट नहीं थे। कैसे टॉयलेट थे? तो लेटरिन ड्यूटी कैसी थी कि एम्प्टी कैन वॉशिंग द टॉयलेट बोर्ड, जो टॉयलेट बोर्ड भरा हुआ होता था उसको खाली करो, वॉश करो, रेगुलरली ये काम कंटिन्यू करो। तो एक रीच इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पास आया और उन गांधी जी से कहा कि मेरा सन है फॉरेन से पढ़ाई करके आया है, आप अपने अंडर में थोड़ा उसको रखो और अच्छी अच्छी बातें सब अच्छा उसको सिखाओ। तो वो रिच मर्चेंट ने ऐसा भी कहा कि मेरा सन हाईली क्वालिफाइड है, उसके पास बड़े बड़े आइडियाज हैं, बहुत सारी टेक्निक है उसके दिमाग में, हाउ टू इम्प्रूव बिजनेस, वो हर एक काम में एक्सपर्ट है, आप उसके आइडियाज उसके टेक्निक यूज करके अच्छा डेवलप करो सब। पर गांधी जी ने क्या उसे बिल्डिंग बनवाई? नो, गांधी जी ने तो उससे क्या करवाया, टॉयलेट साफ करवाए, क्योंकि गांधी जी उसको रियलाइज करवाना चाहते थे कि तुम भले ही हाईली क्वालिफाइड हो पर सबसे पहले तुम एक इंसान हो, और अगर आपने आज छोटा काम किया है तो दूसरी बार अगर कोई दूसरा आदमी वो काम कर रहा है तो आप उसकी फीलिंग समझ पाओगे, क्योंकि आपने वो काम ऑलरेडी किया होगा। ठीक है, आप वो काम का इम्पोर्टेंस समझ पाओगे, वरना हमें लगे अरे ये तो गंदा टॉयलेट साफ करने का काम कर रहा है, जी कितना गंदा काम है, पर अगर आपने वो काम किया है तो आपको लगेगा नहीं ये काम गंदा तो है, चलो अभी कभी किया नहीं है, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सपोज ने कभी कोई टॉयलेट वॉश ही ना किया जाए तो क्या कंडीशन हो जाएगी? बहुत ही खराब कंडीशन हो जाएगी ना। दैट मीन्स कोई भी काम को हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए, बराबर। तो गांधी जी ने वो जो वेल क्वालिफाइड पर्सन था उसको भी ऐसा काम दे दिया, क्योंकि वो उनके आश्रम का रोल था कि फर्स्ट टास्क क्या देते थे, तो क्लीन द लैट्रिन, ये दो मैं पढ़ लूँ, नोटबुक में अच्छे से लिख दो, राइट और रॉन्ग नंबर 3। गांधी जी बिलीव्ड दैट वेल
well qualified people should not be given manual task to perform. गांधी जी ऐसा मानते थे कि पढ़े लिखे लोगों को ऐसा काम छोटा काम मैनुअल काम नहीं देना चाहिए. रॉन्ग. गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे. नंबर फोर. नेपोलियन बिलीव्ड दैट अ लेबर्स वर्क वॉज एज इम्पोर्टेंट एंड सेक्रेट एज हिज ओन. नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा सोचता था कि एक मजदूर का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक राजा का काम. वो तो राजा था, वो तो ऑर्डर करके वो मजदूर को बोल सकता था लेबर को कि लेबर तू खड़ा रहे, तेरे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मेरा काम है, मुझे पूरा देश चलाना है, तुझे क्या है लकड़ियों का भरा लेकर ही जाना है. पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सारा काम सबका काम वॉट एवर कोई भी काम हो लेबर का काम हो या राजा का काम हो बोथ आर इम्पोर्टेंट बोथ आर सेम बोथ आर सेक्रेट. सेक्रेट मतलब पवित्र. अच्छा काम करते हैं हम जो अच्छे काम को हम पवित्र काम बोलते हैं क्योंकि किसी का भला हो या हम अपने घर चलाने के लिए मेहनत करते हैं जॉब करते हैं नौकरी करते हैं कोई चीज़ें बेचते हैं बिजनेस करते हैं तो वो सारे काम जो दिल से किए गए हो ठीक है. फिर भले वो टीचर हो लेबर हो टॉयलेट क्लीनर हो बड़ा प्रधान हो मंत्री हो कारपेंटर डॉक्टर इंजीनियर कोई भी हो पर रिलेशन का नाम ही है रिस्पेक्ट और वर्क. अभी आगे हम ऐसा भी बोल सकते हैं रिस्पेक्ट और वर्क एंड वर्कर्स. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. So we have to respect all the work. Next period में हम ये lesson के question answer लिखेंगे. Till then आपने सारे diagram लिख दिए होंगे notebook में और अगर आपके पास textbook है तो आपने उसको पढ़ लोगे ताकि जब मैं question answer लिखूँ तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए. Thank you.